हेलो एवरीवन, आज हम लोग एब्जॉर्प्शन ऑफ रूट में ही आगे बढ़ रहे हैं। पर इससे पहले वाला लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या टॉपिक पढ़ा था, याद है? हम लोगों ने टर्जिडिटी पढ़ा था, प्लाज्मोलाइसिस पढ़ा था और फ्लैसिडिटी पढ़ा था। तो आज स्टार्टिंग में हम लोग को दिख रहा है प्लाज्मोलाइसिस इन प्रैक्टिस। तो हम सब ने अचार, जैम ये सब खा ही रखा है। अचार में तेज़ नमक होता है और जैम में तेज शुगर, तो इन दोनों का ही अपना अपना इम्पोर्टेंस है। अब जैसे हम लोग ऑस्मोसिस जानते हैं कि जैसे कि जहाँ पे कम पानी होगा वहाँ से वहाँ ज़्यादा पानी से कम पानी की तरफ जाता है ना, तो यहाँ पे भी वही सेम कॉन्सेप्ट लगने वाला है। यहाँ पे देखते हैं, सॉल्टिंग ऑफ मीट और एडिशन ऑफ सॉल्ट टू पिकल्स इज़ अ मेथड ऑफ किलिंग बैक्टीरिया बाय प्लाज्मोलाइसिस। अब जैसे सपोज़ हम लोग अचार बना रहे हैं पिकल्स का, क्योंकि हम वेजिटेरियन हैं तो मीट के बारे में उतना आइडिया नहीं है, पर पिकल्स कर लेते हैं, अचार के बारे में लेते हैं। तो सपोज़ ये आम का टुकड़ा है, अचार वाला आम का टुकड़ा, और इसमें सपोज़ रेड से दिखाते हैं बैक्टीरिया को, यहाँ पे बैक्टीरिया है। अब अचार बनाने जा रहे हैं, बैक्टीरिया रहेगा तो अचार को ख़राब कर देगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग तो ह्यूमन बीइंग्स अपना दिमाग लगाएंगे। हम लोग डाले इसमें सॉल्ट, थोड़ा हाई सॉल्ट, इसके चारों तरफ हाई सॉल्ट। तो अब क्या होगा कि जो वाटर है, वाटर इस बैक्टीरिया से निकल जाएगा सॉल्ट की तरफ, क्योंकि हम लोग क्या जानते हैं, बाहर में पानी कम है और बैक्टीरिया के अंदर पानी ज़्यादा है। तो पानी निकल गया, अब बैक्टीरिया से पानी निकल गया तो क्या हो जाएगा, बैक्टीरिया मर जाएगा। तो इस तरीके से अचार, जैम वगैरह सब लॉन्ग लास्टिंग होता है, ज़्यादा जल्दी ख़राब नहीं होता है इस तेज़ नमक और तेज़ शुगर की वजह से। अब वीड्स कैन बी किल्ड इन अ प्लेग्राउंड बाय स्प्रिंकलिंग एक्सेसिव सॉल्ट्स अराउंड देयर बेस। अब जैसे प्लेग्राउंड है, प्लेग्राउंड में देखते हैं कुछ अनवांटेड कुछ घास टाइप का बड़ा बड़ा निकल जाता है, वीड्स जिसको बोलते हैं, जो हम लोग लगाए नहीं होते बस निकल जाता है। तो उस तरह का वीड्स को भी हम लोग मारने के लिए उसके बेस में सॉल्ट का छिड़काव कर सकते हैं, जिससे कि वो वीड्स मर जाएंगे। लेकिन ये तो हो गया फ़ायदा हम लोग देख लिए, अब कुछ नुकसान भी होता है इसका। जैसे कि हम लोग एग्रीकल्चरल फील्ड में फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं, फर्टिलाइज़र अगर लिमिट में यूज़ करें तो ठीक है, लेकिन अगर फर्टिलाइज़र हम लोग ज़्यादा यूज़ कर देंगे तो फिर क्या होगा, जो हम लोग एग्रीकल्चर में जो प्लांट लगाए हैं उसका भी रूट से वाटर निकलने लगा, क्योंकि जो फर्टिलाइज़र है वो फिर वाटर को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देगा, तो इससे फिर प्लांट डैमेज हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे हम लोग को ध्यान में ये रखना है कि फर्टिलाइज़र का यूज़ लिमिट में करना है। तो ये तो गया प्लाज्मोलाइसिस इन प्रैक्टिस। अब हम लोग यूजेज ऑफ टर्जिडिटी टू प्लांट्स, मतलब प्लांट्स के लिए टर्जिडिटी का क्या इंपॉर्टेंस है। तो कम से कम आई थिंक 5 to 6 यूजेस दे रखा है। ये पहला यूज़ है। पहला यूज़ क्या है कि जो भी सॉफ्ट टिश्यूज़ है, जैसे कि लीव्स हो गए, उनको रिजिडिटी प्रोवाइड करना। अब जैसे सपोज़ जो लीफ है, अगर लीफ के पास पानी इनफ नहीं होता तो देखना वो कैसे मुरझा सा जाता है ना। लेकिन अगर अच्छा वेल वाटर्ड प्लांट है तो एकदम फ्रेश फ्रेश सा रहता है। तो ये टर्जिडिटी की वजह से ही, टर्जिडिटी ही सॉफ्ट टिश्यूज को रिजिडिटी प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, नॉट इनफ वाटर इन लीफ इट विल्ट्स, मतलब विल्ट्स मतलब मुरझा जाना, झुक जाना। अब जैसे कि आफ्टरनून, दोपहर का टाइम है, गर्मी में सपोज, तो उस समय तो ट्रांसपिरेशन ज़्यादा हो जा रहा है, मतलब प्लांट वाटर ज़्यादा लूज कर दे रही है और एब्जॉर्ब सॉइल से कम कर रही है, तो उस केस में क्या होगा, लीफ झुक जाएगा, विल्ट हो जाएगा। लेकिन वही शाम के टाइम में जो रूट जो वाटर एब्जॉर्ब कर रहा है वो ज़्यादा होता है ट्रांसपिरेशन के कंपैरिजन, तो उस केस में क्या होगा, शाम को फिर लीव्स टर्जिड कंडीशन में आ जाएगा। तो पहला यूज़ हो गया टर्जिडिटी का कि ये सॉफ्ट टिश्यूज जैसे कि लीव्स को रिजिडिटी प्रोवाइड करता है। अब सेकेंड पॉइंट, टर्गर प्रेशर हेल्प्स टू पुश थ्रू द हार्ड ग्राउंड। अब हम लोग कुछ बीज वगैरह लगाते हैं, पेड़ तो बीज से ही बनता है, अब वो बीज को हम लोग कुछ मिट्टी का एक कुछ लेयर के नीचे रखते हैं, तो अब उस सीड को उस मिट्टी के लेयर से बाहर आना होता है।
तो इस ये जो बाहर आना होता है, जर्मिनेट करना होता है, सीड को जर्मिनेट करना होता है, इसके लिए भी टर्गर प्रेशर ही हेल्प करता है। टर्गर प्रेशर ही उसको वो फोर्स प्रोवाइड करता है जिससे कि वो मिट्टी को हटा के बाहर निकल पाए। अब ये तो छोड़ो, ये तो मिट्टी को हटाना बहुत आम सा बात हो गया। जो वॉल्स होते हैं, मतलब कि सीमेंट का जो बना हुआ हम लोग का वॉल होता है, कंक्रीट का वॉल होता है, कंक्रीट का फ्लोर होता है, उसको तक जो रूट्स होता है वो तोड़ देता है, क्रैक द वॉल्स, इतना टर्गर प्रेशर में पावर होता है। तो ये दूसरा यूज़ हो गया टर्गर प्रेशर का कि पुश थ्रो हार्ड ग्राउंड, हार्ड ग्राउंड से जो सीड जर्मिनेट कर रहा है उसको निकलने में हेल्प करता है। थर्ड पॉइंट, टर्गर इन रूट सेल्स बिल्ड्स अप रूट प्रेशर। अब इसको समझने के लिए हम लोग एक एक्सपेरिमेंट करेंगे बालसम प्लांट के साथ, छोटा सा प्लांट बालसम का। लेकिन उससे पहले रूट प्रेशर क्या चीज़ है, अब हम लोग तीसरा यूज़ ये तो देख रहे हैं कि रूट सेल में टर्गर जो है वो रूट प्रेशर क्रिएट करता है, पर रूट प्रेशर क्या है? रूट प्रेशर का डेफिनेशन है ये, रूट प्रेशर इज़ द प्रेशर डेवलप्ड इन द रूट्स ड्यू टू कंटिन्यूड इनवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रो सेल टू सेल ऑस्मोसिस विच हेल्प्स इन द एसेंट ऑफ सेल सैप अपवर्ड थ्रो द स्टेम। इसका मतलब क्या हुआ, रूट प्रेशर एक ऐसा प्रेशर है जो रूट में डेवलप होता है। ध्यान से सुनना सब, कंसंट्रेशन यहाँ ले आओ। रूट प्रेशर क्या है, ऐसा प्रेशर जो रूट्स में डेवलप होता है। क्यों होता है, जब जो आसपास जो सॉइल में वाटर है वो रूट के अंदर घुसने लगता है। अब रूट में सिर्फ एक सेल तो होगा नहीं, रूट में इस तरह से सेल टू सेल कनेक्टेड होगा। अब इस सेल में वाटर घुसा तो सेल से सेल में ऑस्मोसिस होगा और इस तरीके से एसेंट ऑफ सेल सैप होगा। सेल सैप मेनली वाटर को मान लेते हैं हम लोग, अपवर्ड थ्रू द स्टेम। अब यहाँ से रूट से होते हुए स्टेम की तरफ जाएगा। तो ये तो हो गया रूट प्रेशर। रूट प्रेशर फिर से एक बार रिवाइज कर देते हैं। रूट प्रेशर क्या है, रूट प्रेशर ऐसा प्रेशर है जो कि वाटर जो कंटिन्यूसली अंदर घुस रहा है सेल टू सेल ऑस्मोसिस की वजह से, उसके वजह से जो प्रेशर क्रिएट हो रहा है रूट में, वो है रूट प्रेशर। ठीक है, डेफिनेशन फिर से एक बार देख लीजिए। अब ये एक्सपेरिमेंट एक है वही रूट प्रेशर पे ही। ये बालसम का एक छोटा सा प्लांट है, इस प्लांट के स्टेम को यहाँ पे कट कर दिया गया है। कट करके यहाँ पे ये ग्लास का, इस तरीके का ग्लास का रॉड है, उसको लगा दिया गया है और यहाँ से फिर ये मैनोमीटर को कनेक्ट कर दिया गया। अब ये तो हो गया इनिशियल स्टेज। थोड़े देर बाद हम लोग को क्या दिखता है कि ये मर्करी का लेवल यहाँ से बढ़कर यहाँ तक आ गया। ये क्यों हुआ, रूट प्रेशर की वजह से। ये जो बालसम का प्लांट है ये नॉर्मल प्लांट नहीं है, इसको अच्छा सा हम लोग वाटर दिए हुए हैं, मतलब इसका सॉइल में अच्छा से वाटर किया दिया हुआ है, वरना वाटर का कमी रहेगा तो फिर रूट प्रेशर क्रिएट नहीं होगा ना। तो अच्छा से हम लोग वाटर दे रखे हैं, फिर हम लोग को क्या देखने को मिलेगा कि जो स्टेम का ये कट वाला पोर्शन है यहाँ से वाटर ऊपर की तरफ गया, जिसकी वजह से वाटर फिर इधर आएगा और इधर आएगा तो मर्क्यूरी को फिर इधर धक्का देगा और मर्क्यूरी यहाँ तक आ जाएगा। तो ये एक्सपेरिमेंट था ये शो करने के लिए कि टर्गर प्रेशर रूट प्रेशर क्रिएट करने में हेल्प करता है। अब रूट प्रेशर का एक ख़ास बात ये है कि रूट प्रेशर जो होता है वो सेल वाटर को ऊपर तो भेजता है लेकिन कुछ हाइट तक ही भेज सकता है। बहुत लंबे लंबे पेड़ में लीफ तक जो वाटर पहुंचता है वो रूट प्रेशर की वजह से नहीं पहुंच सकता। उसमें मेन रोल फिर ट्रांसपिरेशन का आ जाता है। रूट प्रेशर सिर्फ कुछ हाइट तक हेल्प करता है। अब लॉस ऑफ वाटर और कब क्यों होता है, अगर मान लो कि स्टेम में कहीं कट लग गया है तो जो उस वक्त जो लॉस ऑफ वाटर होता है उसको हम लोग ब्लीडिंग बोलते हैं। ठीक है, अब चौथा इम्पोर्टेंस टर्गर का चौथा यूज़ है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा में, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा। इसको हम लोग चैप्टर 6 में और डिटेल में इस पॉइंट को देखेंगे कि किस तरीके से ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा होता है, पर फिर भी एक हल्का सा आइडिया यहाँ पे दे रखा है तो हम लोग पढ़ लेते हैं कि फोटोसिंथेसिस जब होता है तो जो गार्ड सेल्स होते हैं लीव्स में गार्ड सेल्स होते हैं, उनमें ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे ये गार्ड सेल है,
हम इसको मार करते हैं, ये है गार्ड सेल। लीफ में होता है ये, लीफ में प्रेजेंट होता है। अब इसमें ग्लूकोज का फॉर्मेशन हुआ। अब हम लोग जानते हैं कि इसमें अगर ग्लूकोज है, इसका मतलब कि वाटर वाटर बाहर से अंदर आएगा। अब वाटर बाहर से अंदर आएगा तो क्या होगा कि ये इस तरीके का कंडीशन में आ जाएगा, फूल जाएगा। और जब वाटर नहीं रहेगा तो इस वाले कंडीशन में रहेगा, और जब ये वाटर अंदर एब्जॉर्ब करेगा तो इस कंडीशन में आ जाएगा, ठीक है। अब और इसमें हम लोग क्या दिख रहा है, बाहर वाला वॉल, आउटर वॉल जो सब होता है इसका थिन होता है, और जो इसका इनर वॉल होता है वो थिक होता है। ये वाला इनर वॉल है, ये थिक है। ये गार्ड सेल का कुछ खासियत है, ये वैसे हम लोग चैप्टर 6 में देखने ही वाले हैं, ठीक है। तो अब क्या होता है कि जैसे ये टर्जिड होता है, मतलब जैसे वाटर इसके अंदर इंट्री करता है, वाटर का इंट्री होता है, वैसे ही ये स्टोमाटल पोर क्रिएट हो जाता है। मतलब कि ये जैसे ही फूलता है तो यहाँ पे ये छेद बन जाता है स्टोमाटल पोर। और जब रात हो जाता है, रात हो जाता है, फोटोसिंथेसिस नहीं होता है, इसमें ग्लूकोज स्टोर नहीं होता है, तब वाटर लूज़ हो जाता है, तो फिर ये क्लोज हो जाता है। या फिर अगर मान लो कि दोपहर का टाइम है, बहुत ज़्यादा वाटर लॉस हो रहा है, तब भी ये क्या करेगा, अपने अंदर से वाटर को निकालेगा और इसको क्लोज कर देगा। इस तरीके से गार्ड सेल ओपन क्लोज होता है, क्यों, टर्जिडिटी की वजह से। तो टर्गर इन ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा, स्टोमाटा का ओपनिंग और क्लोजिंग में टर्गर प्रेशर का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। फिफ्थ, टर्गर मूवमेंट। अब टर्गर मूवमेंट बुक में तीन एग्जांपल दे रखा है। पहला, रैपिड ड्रॉपिंग ऑफ लीव्स ऑफ सेंसिटिव प्लांट मिमोसा पुडिका, इसको हम लोग कॉमन में टच मी नॉट प्लांट भी बोलते हैं। अब इसमें होता क्या है, जैसे ही हम लोग टच मी नॉट प्लांट को टच करते हैं तो उसको एक स्टिमुलस मिलता है, और जैसे ही उसको स्टिमुलस मिलता है वो क्या करता है, अपना जो टर्जिडिटी है उसको लूज़ कर देता है, वहाँ से पानी हटा देता है और ख़ुद विल्ट कर जाता है, मतलब झुक जाता है, सिकुड़ जाता है। तो ये हो गया पहला मूवमेंट, पहला मूवमेंट हो गया रैपिड ड्रॉपिंग ऑफ द लीव्स ऑफ सेंसिटिव प्लांट, ये पहला मूवमेंट हो गया। दूसरा मूवमेंट क्या है, दूसरा मूवमेंट हम लोग को इंसेक्टिवोरस प्लांट्स में देखने को मिलता है। इंसेक्टिवोरस प्लांट कुछ उसका मुंह इस तरीके से खुला हुआ रहता है, हम ठीक से ड्रॉ नहीं कर पा रहे 3D में। अब जैसे कि कोई भी कीड़ा आके बैठा तो ये क्लोज हो जाएगा, ये भी जो है टर्गर मूवमेंट की वजह से होता है। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स का जो मुंह बंद होता है वो भी टर्गर प्रेशर की वजह से होता है। तो ये दूसरा मूवमेंट हुआ। तीसरा मूवमेंट, बेंडिंग मूवमेंट ऑफ सर्टेन फ्लावर्स टुवर्ड्स द सन। अब जैसे सन फ्लावर होता है, जैसे जैसे सन का मूवमेंट होता है वैसे वैसे सन फ्लावर भी मूव करता है, ये भी जो हुआ, ये भी एक तरह का टर्गर मूवमेंट हुआ। तो टर्गर मूवमेंट तीन तरह का हम लोग देख लिए, एक तो सेंसिटिव प्लांट्स में, दूसरा जो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होता है, और तीसरा जो फ्लावर सन के हिसाब से मूव करता है। तो हम लोग ने टोटल 5 यूजेस देखे हैं टर्जिडिटी के। अब ये 5 यूज आप लोग फिर से रिवाइज कर लेते हैं, क्या है। सबसे पहला कि जो सॉफ्ट टिश्यूज़ और लीव्स है उसको रिजिडिटी प्रोवाइड करना। दूसरा कि हार्ड ग्राउंड से पुश करना, पुश करके बाहर आना। तीसरा कि रूट प्रेशर क्रिएट करना। चौथा, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा। और 5वां, टर्गर मूवमेंट। ठीक है, इतना याद हो गया होगा। तो इसको यहाँ पे कंप्लीट करते हैं, और हमको लगता है कि और 2-3 लेक्चर में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो बाय।